हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जैसा कि आपका आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्जाम अगस्त 3 और अगस्त 4 में कंप्लीट हो गया है, तो दोस्तों उसके लिए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, कितने आपके सेफ स्कोर होने चाहिए, क्या आपका अटेम्प्ट रहना चाहिए जिससे आप इसके मेन्स की प्रिपरेशन में लग पाए। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर हम कट ऑफ बताने वाले, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी और कौन सी जो शिफ्ट थी वो ईजी थी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए देखिए, यहां पर मैंने आपके लिए इसको बाइफरकेट कर दिया गया। यहां पर डे और यहां पर शिफ्ट लिखी हुई, जैसे शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट टू, शिफ्ट थ्री, शिफ्ट फोर। यहां पर डे है जैसे 3 अगस्त और 4 अगस्त। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो 3 अगस्त को आया था उसमें रीजनिंग का क्या लेवल रहा था और मैथ्स का क्या लेवल रहा था। 3 अगस्त की बात करें तो यहां पर रीजनिंग जो थी वो इजियर साइड थी, मतलब कि डुएबल साइड थी, ठीक है। और यहां पर जो मैथ्स था थोड़ा वो हार्ड की तरफ कह सकते हो आप, या मॉडरेट की तरफ आप कह सकते हो, यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस थे वो करने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। यानी कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से कैंडिडेट के वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिल रहे थे हमें रीजनिंग में, और मैथ्स में जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट से बच्चों के वो यहाँ पर कम देखने को मिल रहे थे। कौन से दिन में? यानी कि ये आपका 3 अगस्त में, ठीक है। 3 अगस्त में ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में रीजनिंग जो थी वो थोड़ी सी इजियर साइड थी, जो हम अगर मैथ से उसको कंपैरिजन करें तो, और मैथ्स थोड़ा हार्ड साइड था, ठीक है। वहीं अगर 4 अगस्त में हम देखा जाए तो रीजनिंग ने अपना रूप बदल लिया और रीजनिंग यहां पर हमें हार्डेस्ट साइड देखने को मिली, ठीक है। रीजनिंग जो थी वो थोड़ी सी हार्डेस्ट साइड को थी और जो मैथ था वो थोड़ा इजियर साइड को देखने को मिला, ठीक है। मैथ जो था आपको डाउन चला गया था और रीजनिंग जो थी यहाँ पर हाई देखने को मिली, ऐसा बच्चों के द्वारा बोला गया, ठीक है। तो ये आपका कुछ रिव्यू था कि किस तरीके से 3 अगस्त में चीजें चली थी और 4 अगस्त में। अब उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि किस तरीके से शिफ्ट पर यहाँ पर इंपैक्ट पड़ा था। तो 3 अगस्त की सबसे पहले हम शिफ्ट फर्स्ट देखें, ठीक है। यहां से मैं कलर चेंज कर देता हूँ। शिफ्ट फर्स्ट देखें तो ये इजी टू मॉडरेट देखने को मिली थी हमें, शिफ्ट टू और शिफ्ट थ्री ये मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिलती, और शिफ्ट फोर जो थी वो मॉडरेट देखने को मिली थी। यानी कि यहां पर जो बच्चे थे थोड़े अच्छे खासे अटेम्प्ट कर पाएंगे, यहां पर उससे थोड़े से कम अटेम्प्ट, और यहां पर उन दोनों से ही कम अटेम्प्ट हमें देखने को मिले थे। 4 अगस्त की हम बात करें यदि, तो शिफ्ट फर्स्ट जो थी वो मॉडरेट थी और शिफ्ट सेकंड और थर्ड वो क्या थी, मॉडरेट टू हार्ड हमें देखने को मिली थी, ठीक है। और शिफ्ट फोर्थ में आपका यहां पर कोई भी एग्जाम देखने को हमें नहीं मिला। तो ये था एक आपका ओवरऑल रिव्यू। चलिए अब हम कट ऑफ देख लेते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हमारा जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। चलिए यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का 2023 का क्या कट ऑफ गया था, कितनी वैकेंसी थी और इस बार कितनी वैकेंसी है, ठीक है। देखिए यहां पर स्टेट लिखी हुई है, यहां पर जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस। तो ये आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, एक तो ये 55 है जो कि आपकी हिमाचल प्रदेश की, इसके बाद 58 है जो कि ओडिशा की हमें कट ऑफ देखने को मिली, बाकी देखिए 55 की रेंज में आपको उत्तराखंड की भी देखने को मिली, बाकी 54 में राजस्थान आपका आता है, हरियाणा आता है, बाकी आप कैटेगरी देख सकते हैं 53 53 है ना और 49। बाकी अदर कैटेगरी आप देखेंगे तो यहाँ पर एसटी का 44.75 लगभग गया हुआ कट ऑफ, ओबीसी का 48.25 गया हुआ है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का किस तरीके से यहाँ पर चीजें सारी चल रही है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग लगभग समान हमारा देखने को कट ऑफ हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल रिव्यू है कि 2023 में क्या कट ऑफ रहा था हमारा। चलिए अब हम 2024 में देख लेते हैं कि क्या कुछ सिनेरियो इस बार बनने वाला है। देखिए 2024 में थोड़ी सी चीजें यहां पर चेंज हो गई है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। सॉरी, देखिए सबसे पहले तो यहां पर वेकेंसी पे इंपैक्ट आपके पड़ा हुआ है। जैसे 2023 की यदि हम बात करें तो यहां पर 2560 वेकेंसी देखने को मिली थी, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग वेकेंसी दी हुई होती है, ठीक है। वहीं हम 2024 की यदि बात करते हैं तो यहां पर 3583 लगभग लगभग 1000 वेकेंसी का यहां पर डिफरेंस आ जाता है, और ये स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी अलग अलग इंपैक्ट करता है। आप इसका डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो देख लेना कि किस स्टेट में 2023 में ज्यादा थी आपके स्टेट में, और 2024 में वहां पर क्या इंपैक्ट पड़ा हुआ है, कि किस समय ज्यादा थी, या 2023 में आपके स्टेट में ज्यादा थी या 2024 में आपके स्टेट में वैकेंसी ज्यादा है। तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बात कर ले एग्जाम लेवल, तो एग्जाम लेवल हमें ऑलमोस्ट सेम देखने को मिला है जिस तरीके से लास्ट ईयर का हमारा और भी 2023 में एग्जाम देखने को मिला था, ऑलमोस्ट वैसा ही 19-20 का फर्क कह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है। बात करें जो इस बार सबसे ज्यादा मोस्ट इंपैक्ट डालने वाली चीज है, दैट इज सेक्शनल टाइमिंग। देखिए पहले क्या होता था,
जो बच्चे थे वो रीजनिंग को ज्यादा टाइम दे देते थे और मैथ्स को वो कम टाइम देते थे, क्योंकि रीजनिंग क्या होती है, डुएबल होती है। बट यहाँ पर आप फिक्स कर दिया है, आपको 25 मिनट में जितना आप रीजनिंग बना सकते हो उतना बनाएंगे और 20 मिनट में आपको मैथ्स यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इससे पहले क्या होता था, सेक्शनल टाइमिंग यहाँ पर नहीं होती थी, तो बच्चे क्या करते थे, अगर किसी का मैथ्स से स्ट्रांग है तो वो मैथ्स में चला जाता था, किसी की रीजनिंग स्ट्रांग है तो वो रीजनिंग में चला जाता था, और वो चाहे तो चाहे 45 मिनट पूरा रीजनिंग को भी दे सकता था या पूरा मैथ्स को 30 मिनट या 35 मिनट देके अगले सेक्शन पे वो स्विफ्ट कर सकता था, ठीक है। बट इस बार नहीं है, इस बार आपको क्या कर दिया, सेक्शनल टाइमिंग कर दी, 25 मिनट में आपको रीजनिंग के जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो सॉरी वो आप बनाइए, 25 मिनट में आप जितने रीजनिंग बना सकते हो और 20 मिनट में जितने मैथ्स के। तो हुआ क्या है, रीजनिंग में तो चलिए फिर भी ठीक ठाक बच्चों के 30 से 35 के बीच में अटेम्प्ट जा रहे थे, ठीक है। बट मैथ्स में क्या हो रहा था, जहां पर हार्ड शिफ्ट देखने को मिली वहां 15 से 18, जहां मॉडरेट थी वहां 20 से 25, इसके ऊपर बच्चे जा ही नहीं पा रहा। जो अच्छे खासे बच्चे हैं, जो एवरेज से ऊपर रहते हैं, टॉपर की श्रेणी में आते हैं, वो थोड़े यहां पर 28, 29, 30 कर पा रहे थे मैथ्स में, बाकी इससे ऊपर कोई नहीं जा पा रहा था, ठीक है। तो ये सेक्शनल टाइमिंग इस बार थोड़ा सा इंपैक्ट डालेगा और ये कट ऑफ को हमारा थोड़ा डाउन साइड को ले जाने की कोशिश करेगा। एक तो हमारा सेक्शनल टाइमिंग इंपैक्ट डालेगा, दूसरा आपका जो वैकेंसी है वो भी यहाँ पर इंपैक्ट डालने वाली है, ठीक है। तो अपनी स्टेट में, आपके स्टेट में, किस स्टेट में वैकेंसी आपके, जैसे मान के चलिए कोई एमपी से बंदा बिलोंग करता है, जनरल कैटेगरी से है या किसी भी कैटेगरी से, मान के चलिए एमपी में 2023 में उसकी 100 वैकेंसी थी और 2024 में उसकी 125 वैकेंसी, तो 25 वैकेंसी ज्यादा, यानी कि आपका कट ऑफ 2 से 4 नंबर ऑलमोस्ट गिर चुका है। तो ऐसा आपको क्या लगाना है, आपका नोटिफिकेशन एक बार चेक कर लेना आपके आपके अटेम्प्ट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने कैटेगरी लिखी है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने लिख रखा है, दो तरीके से मैंने कट ऑफ बताने की कोशिश की है, तो थोड़ा देखिएगा। जैसे यूआर की हम बात करें, अब मैंने लिखा है मोर पोस्ट, तो जिस स्टेट में ज्यादा पोस्ट है, ठीक है, मैं अगर देखिए पूरा अगर 28 स्टेट्स और अगर 8 यूनियन टेरिटरीज को मिला लूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाए, इसलिए मैंने एक ओवरऑल यहाँ पर एक जो स्कोर होता है वो ले लिया, एक रेंज ले लिया। देखिए जिस स्टेट में ज्यादा पोस्ट है कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, वहां पर जो कट ऑफ रहेगा वो 47 से 53 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। अगर जिस स्टेट में बात करूं कम पोस्ट है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, वहां पर जो कट ऑफ है आपका 50 से 58 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। तो ये आप अपनी क्या करेंगे, मैंने 2023 का कट ऑफ बता रखा, तो आप अपनी वैकेंसी बता रखी, तो अपना वैकेंसी चेक कर लीजिएगा कि लास्ट ईयर से ज्यादा है या कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रेंज सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपके में लास्ट ईयर से ज्यादा वैकेंसी है तो इस रेंज में आपका कट ऑफ जाएगा, और अगर कम वैकेंसी है लास्ट ईयर से तो इस रेंज में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। ओबीसी की बात कर लें, 46 से 52 अगर पोस्ट ज्यादा है, और पोस्ट कम है तो 48 से 55। वहीं ईडब्ल्यूएस का 45 से 51 यदि पोस्ट ज्यादा है, और 48 से 55 अगर पोस्ट कम है। एससी का बात करें 44 से 49 अगर ज्यादा पोस्ट है, और अगर कम पोस्ट है उस स्टेट में तो 47 से 53। वहीं एसटी का 41 से 46 ज्यादा पोस्ट वालों के लिए, और कम पोस्ट वालों के लिए 44 से 51। ये कट ऑफ कुछ आपकी एक्सपेक्टेड रहने वाली है। अगर इस रेंज में आपके मार्क्स जो है वो लाए करते हैं तो आप बिल्कुल अभी से मीन्स की प्रिपरेशन में लग जाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिलता है, पूरा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बताऊंगा कि लास्ट ईयर में किस किस डेट को एग्जाम हुआ था, किस किस डेट में रिजल्ट आया था, किस डेट में स्कोर कार्ड आया था, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगला वीडियो उसके ऊपर मिल जाएगा, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो है दोस्तों कट ऑफ को लेकर, तो ठीक है, तो ये आप देख लेना कि कट ऑफ को लेकर क्या सिनेरियो बनता है आपका यहाँ पर, ओके। चलिए, और वीडियो अच्छा लगा हो इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को द एग्जाम हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।